आपके मतलब लाइफ के पूरे जितने भी कंसेप्ट होते हैं मिसकंसेप्शनल सारे चीजें क्लियर हो जाएंगे। ऑक्सी एसिड का क्या मीनिंग है सर? तो देखो, ऑलवेज रिमेंबर, ऑक्सीजन को अगर हाइड्रोजन, मतलब मान लो इधर कोई नॉन मेटल है, कोई भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल आपका सल्फर हो सकता है या क्लोरीन है या फिर नाइट्रोजन भी हो सकता है या फिर फॉस्फोरस भी हो सकता है, नॉन मेटल। ये नॉन मेटल, इन नॉन मेटल्स को हाइड्रोजन अटैच है थ्रू ऑक्सीजन, इन नॉन मेटल्स को हाइड्रोजन अटैच है थ्रू ऑक्सीजन, दिस कंपाउंड आर नोन एज ऑक्सी एसिड। सबसे पहले सबको डेफिनेशन समझ में आई, ऑक्सी एसिड किसे बोलेंगे? जिस कंपाउंड में नॉन मेटल को ऑक्सीजन अटैच है थ्रू हाइड्रोजन इज नोन एज, सॉरी, हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है थ्रू ऑक्सीजन, दिस इज नोन एज ऑक्सी एसिड। बोलो क्लियर है सबको ऑक्सी एसिड की डेफिनेशन? बहुत अच्छे से क्लियर होगी आई होप। आगे बढ़ जाते बहुत अच्छे से समझो एक एक चीज को। अब देखो, आपको पता होगा बच्चों, सुबह पढ़ाया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नीचे क्लोरीन लिख देता हूं। चलो, मैंने बताया था कि बोरॉन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, कार्बन की +4, नाइट्रोजन की +5, ऑक्सीजन की, देखो ऑक्सीजन की तो आपको पता है -2 ही होती है। सल्फर की लिख देता हूं, देखो नीचे की तरफ देखो, ऊपर वाले के हम ऑक्सी एसिड नहीं पढ़ते, ठीक है, नीचे वाले के पढ़ते। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +4, +5, +6 और +7, दिस इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। कि सर सल्फर +6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम लूज कर सकता है, और मिनिमम ऑक्सीडेशन क्या बोलो, -1, -2, -3, -4, -5, -5 नहीं, यहाँ पे तो मत ही लिखो आप। ये चीजें मैंने सुबह भी बताई थी, बोलो सबको क्लियर हो रहे हैं ना? मैसेज करो यार, सुबह भी बताई थी ये सारी चीजें मैंने, कौन किसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, किसकी मिनिमम है। आइए मैं सीधे स्टार्ट कर देता हूं। हम देखो, मैं नेमिंग पढ़ा रहा हूं, नेमिंग सुनो। सल्फर के ऑक्सी एसिड पढ़ेंगे हम सबसे पहले, सल्फर के बहुत तेजी से पढ़ेंगे, कोई हमें ज्यादा यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करना। मान लो सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, मान लो H2SO4 का केस है। बोलो यार, देखो सिंपल बता देता हूं, अगर कोई भी नॉन मेटल उसके ऑक्सो एसिड में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो उसको बोलेंगे हम एक एसिड। क्या बताया मैंने? किसी की भी अगर कोई भी आपका ऑक्सो एसिड है उसमें नॉन मेटल, सुनो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। मान लो एक एसिड किसको बोलेंगे, तो मान लो कोई भी नॉन मेटल उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसको हम एक एसिड बोलेंगे। अभी इसको अगर मैंने एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, एक एसिड में मैंने एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो हमारे पास बन जाएगा पर एक एसिड। कौन सा एसिड बन जाएगा? पर एक एसिड। और याद रखना, पर एक एसिड में, ऑलवेज रिमेंबर, पर एक एसिड में परऑक्सी लिंकेज होगी, मतलब ये वाली लिंकेज होगी। बोलो क्लियर है सबको? अगर कोई भी नॉन मेटल उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो उस ऑक्सी एसिड को बोलेंगे एक एसिड। उसके अंदर हमने एक ऑक्सीजन ऐड किया तो पर एक एसिड, और पर एक एसिड में कौन सी लिंकेज होगी? बोलो परऑक्सी लिंकेज होगी। आइए इसमें से एक ऑक्सीजन घटा देते, -O, किसमें से? एक एसिड में से, तो हमारे पास बनेगा अस एसिड। बोलो क्लियर है सबको? एक एसिड में से एक ऑक्सीजन घटाया, अस एसिड। अस एसिड में से एक और ऑक्सीजन घटा देते तो उसका नाम आ जाएगा हाइपोअस एसिड। समझ में आया सबको? देखो, पर एक एसिड, एक एसिड, अस एसिड और हाइपोअस एसिड। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझते, मान लो H2SO4 है, H2SO4 में सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ जल्दी? +6 है सर, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो हम इसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। बोलो एक एसिड, एक एसिड, इसमें एक ऑक्सीजन चढ़ा दो सर तो क्या आ जाएगा? H2SO5। अब बताओ H2SO5 में ऑक्सीडेशन, यहाँ पे कौन सी लिंकेज होगी? इसमें परऑक्सी लिंकेज होगी। सबसे पहला क्वेश्चन समझ में आया, H2SO5 में परऑक्सी लिंकेज होगी, और इसी को हम बोलेंगे बताओ जल्दी, H2SO5 को हम क्या बोलेंगे? पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर एक एसिड, सल्फ्यूरिक, ओके, पर एक एसिड। बोलो, अब इसमें से एक ऑक्सीजन में घटा रहा हूं, तो क्या बचेगा बताओ जल्दी? H2SO3, इसको मैं बोलूंगा
सल्फ्यूरस एसिड देखो अस एसिड। सर एक और ऑक्सीजन घटाइए, मैंने बोला ठीक है, क्या बनेगा H2SO2, इसको बोलेंगे सर हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। बोलो क्लियर है सबको ये वाली चीज, मैसेज करो सब, सबको क्लियर है सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस हाइपोसल्फ्यूरस पर सल्फ्यूरिक एसिड। देखो अब मैं आपको सीधे लिख के बता देता हूं, ठीक है ना, याद रखना सीधे बता देता हूं। देखो क्या कहां पे गया रे, H2SO5, उसके बाद H2SO4, H2SO3, H2SO2, ठीक है ना, H2SO2, देखो H2SO यहाँ पे क्या आ जाएगा H2SO2, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे सल्फ्यूरिक ईक एसिड, इसको हम बोलेंगे अस एसिड, इसको बोलेंगे हाइपो, समझ में आया, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड, हाइपो अस एसिड, और इसको बोलेंगे पर ईक एसिड। बोलो भाई क्लियर है, मैसेज करके बताओ क्लियर है सबको, पर ईक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, और क्या है, बोलो जल्दी जल्दी से बताओ और क्या है, और बताओ सल्फ्यूरिक एसिड, पर ईक एसिड, क्या यार ये बिल्ली बहुत तकलीफ दे रही है, आप गई काम से, एक मिनट रुक जाओ। बिल्ली का काम तमाम, ठीक है ना, चलो समझ में आए यहां तक की बातें, बोलो जल्दी, पर अरे अब क्या खाएंगे तू, बोलो जल्दी, पर हाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड सल, अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो सर, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड किया था इसमें, सर इधर से एक ऑक्सीजन निकाला था, इधर से एक ऑक्सीजन निकाला था, याद रखना इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, दो से देखो ऑक्सीजन जब आप निकालोगे ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से घटेगी, तो +4 इसके आ जाएगी +2। अब बताओ इसकी कितने आएंगे, बताओ जल्दी, इसकी क्या +6 लिखूं या +10 लिखूं, अब बताओ यार, या +8 लिखूं, जल्दी बताओ। तो आपको पता है कि सर एक्स कैलकुलेट करो तो कितने आएंगे, बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी, बताओ जल्दी। तो आप बोलोगे सर एक्स आएगी, सर एक्स आएगी +8, लेकिन सर सुबह बताया था आपने, मॉर्निंग में तो मैंने बताया था कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा हो तो उसके कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +6, समझे या नहीं समझे, स्ट्रक्चर से और ज्यादा क्लियर आएगा, बताओ सबको क्लियर है यहां तक की बातें, मैसेज करो यार, आपको मजा आ रहा है ना सब कुछ सीखने में, बताओ जल्दी यहां तक की बातें सबको क्लियर है, मैसेज करो, नेमिंग समझ में आ रही है ना, स्ट्रक्चर तो देखने, आज तो ऑक्सीजन को खत्म करके मानेंगे, एक भी चीज नहीं छूटनी चाहिए, देखना अब इसमें से हम पानी घटाएंगे, अब जो हमारा ये वाला एसिड है ना, कौन सा वाला, एक एसिड में से हम वाटर को निकालेंगे -H2O, क्या बनेगा बताओ जल्दी। तो सर ये H2 और एक ऑक्सीजन, तो कितने ऑक्सीजन बचे, 3, ये बन गया सर SO3, समझे या नहीं समझे, एंड दिस इज अनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में एक बार आपको कॉमन चीज, अनहाइड्राइड का मतलब होता है पानी बाहर निकालने के बाद बचने वाली चीज, बोलो सल्फ्यूरिक एसिड का अनहाइड्राइड सबको समझ में आया या नहीं आया, मैसेज करो, सल्फ्यूरिक एसिड का अनहाइड्राइड सबको समझ में आया, कैसे बनाया, अब इंपॉर्टेंट बात सुनो सर, कैसे पहचाने, तो याद रखना सल्फ्यूरिक एसिड के ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो याद रखना अनहाइड्राइड पहचानने का एक ही तरीका, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो ये इसकी अनहाइड्राइड है, बोलो आपको क्वेश्चन आएगा क्या H2SO3 की अनहाइड्राइड है ये वाली, बोलो मैसेज करके हाँ या ना, मुझे एक बात बताओ, आप खुद से बताओ थोड़ा सा दिमाग लगा के, इसकी अनहाइड्राइड कौन सी होगी, तो आप बोलोगे सर समझे, बोलो दिस इज द अनहाइड्राइड ऑफ H2SO3, बोलो क्लियर है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी और इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी, और दूसरी बात आप वाटर निकाल के चेक कर लेना, ठीक है ना, बोलो जल्दी क्लियर है सबको अनहाइड्राइड, द कंसेप्ट ऑफ अनहाइड्राइड, बोलो जल्दी क्लियर है, मैसेज करो यहां तक की बातें सबको क्लियर है, यहां तक की बातें सबको क्लियर है, आइए आगे बढ़ते थोड़ा सा, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते, चलो बहुत अच्छे,
अब देखो मैं क्या करता हूं, अब एकदम अच्छे से देखो। मान लो मेरे पास दो सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 प्लस H2SO4। देखो दो ईक एसिड है, ईक एसिड और ये भी ईक एसिड है। देखना भाई अच्छे से सुनो, दोनों ईक एसिड है और दो ईक एसिड को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास जो चीज बनेगा ना उसका पहले मैं नाम बता देता हूं आपको। इसको हम बोलेंगे पायरो ईक एसिड। पायरो ईक एसिड का समझ में आया मतलब? पहले बताओ, अगर हमने दो ईक एसिड को ऐड कर दिया और उसमें से पानी को बाहर निकाल दिया, -H2O, इसमें से -H2O निकाल दो, तो मुझे पायरो का मतलब होता है भाई हीटिंग करना, समझे? अरे पायरो का मतलब होता है हीटिंग करना। तो देखना अच्छे से सर, चार हाइड्रोजन है टोटल, तो बचे कितने? बचे कितने सर? दो। तो H2 सर, सल्फर तो दो बचेंगे S2, और ऑक्सीजन कितने बचेंगे? आठ थे, एक चला गया S, बोलो O7। ये कैसे आया समझ में? आया जल्दी बताओ। दो सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दो, वाटर निकाल दो। दो सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दो, वाटर निकाल दो। दिस इज योर पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, कोई जरूरत नहीं रटने की, मुझे पता है पायरो सल्फ्यूरिक, मैंने तो सीधा बनाना सिखा दिया आपको। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड और इसी का दूसरा नाम ओलियम है भाई, समझे या नहीं समझे? ओलियम का मतलब समझ में आया? अब आप बताओ इसका रिवर्स क्या होगा, मतलब देखो भाई बहुत अच्छे से सुनो। H2S2O7, इसमें अगर मैं पानी डाल दूं तो क्या बनेगा? 2 मोल ऑफ H2SO4। और अगर मैं इसको हीट कर दूं, अगर मैं इसको हीट कर दूं तो ये बनेगा भाई, समझ में आया? ओलियम और सल्फ्यूरिक एसिड की कहानी, ओलियम और सल्फ्यूरिक एसिड की कहानी समझ में आई सबको? अगर दो सल्फ्यूरिक एसिड को मैं हीट कर दूं तो ओलियम बनेगा, दैट इज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड में अगर यहाँ पे -H2O अगर पानी ऐड कर दूं तो ये वाली चीज बनेगी। सबको मजा आया? बोलो जल्दी, क्लियर है? हाँ या ना? ये वाली चीज क्लियर है सबको? छोटी छोटी चीजें मैं आपको जोड़ते जा रहा हूं, आपको बस इस पे ध्यान देना है कि मैं क्या बता रहा हूं हर हर वक्त। आगे बढ़ते, मान लो मेरे पास H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड है, H2SO3, भाई सुनना बहुत अच्छे से, एक चीज बतानी रह गई। सल्फ्यूरिक एसिड है, मान लो H2SO4 प्लस H2SO4, क्या बनेगा भाई? इसमें से -H2O कर दो, क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सर H2S2O7, दैट इज, अब इसमें आप एक और इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दो। ये था आपका पायरो, ये तो ऊपर वाला था आपका पायरो, पायरोइक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, बोले तो ओलियम, अरे बोले तो ओलियम, अभी इसमें भी एक ऑक्सीजन ऐड कर दो तो क्या बनेगा? H2S2O8, यानी कि इसको बोलते हैं पर ऑक्जी। देखो पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक, मतलब पर ऑक्सो ईक एसिड, सिंपल इसमें तो आप पता ही बीच में क्या आएगा, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, पर ईक एसिड अलग और पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड अलग। और इसी को दूसरा नाम है मार्शल्स एसिड, जो आपने बहुत बार सुना होगा मार्शल्स एसिड। वापस से एक बार आपको सारे एसिड लिख देता हूं एक जगह पे, ठीक है ना बच्चों? मजा आ जाएगा। देखो एक बार बता दूं, उसके बाद हम सारी चीजें समराइज करेंगे, ठीक है ना? देखो H2SO3 हमारा सल्फ्यूरस एसिड है, ये अस एसिड है, अस एसिड। उसी के साथ साथ H2SO3 ये भी हमारा अस एसिड है, अस एसिड है। तो सर इसको हीट करो, पानी निकालो, तो क्या बचेगा बताओ जल्दी? तो सर पानी निकालेगा तो सर चार में से दो बचे, दो हाइड्रोजन, छह में से एक गया, कितने ऑक्सीजन बचे? पांच। ये बन गया आपका, याद रखना, इसको हम बोलेंगे सेम नाम, सेम पायरो सल्फ्यूरस, अभी इस बार अस आएगा ना, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। बोलो यार क्या डिफिकल्ट था इसमें, बताओ जल्दी, पायरो सल्फ्यूरस एसिड कैसे बना, समझ में आया? अब एक बार समराइज कर देता हूं, आप खुद से बताना, बताओ। देखो सारी चीजें एक जगह पे, H2SO5, बोलो क्या नाम है? बोलो रे, पर एक एसिड, इसको हम पर एक एसिड बोलेंगे, मतलब पर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना? H2SO4 सल्फ्यूर, देखो यहाँ ऊपर वाला लिख देता हूं यार अच्छे से, आप बहुत ना, आप बहुत आलसी हो फिर, पर सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, बोलो उसके बाद क्या आएगा रे? H2SO3 सर, अब बोलो क्या आएगा सर? H2SO3 बोले तो सर सल्फ्यूरस एसिड, अस एसिड। उसके बाद H2SO2 बोले तो सर हाइपो सल्फ्यूरस एसिड।
उसके बाद हमने पढ़ा H2S2O7, जिसको हमने नाम दिया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड की मतलब ये समझ में आया सबको, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाली चीजें। बोलो जल्दी क्लियर है यहां तक की बातें? आगे बढ़ता हूं मैं, सुनो। आपने एक और पढ़ा, देखो H2S2O7 पढ़ा, इसके बाद आपने पढ़ा H2S2O8, इसको हमने बोला पायरो सल्फ्यूरिक इक एसिड, इसको हमने बोला परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हमने बोला ओलियम, और इसको हमने बोला मार्शल्स एसिड। बोलो भाई क्लियर है? मैसेज कर दो जल्दी, यहां तक की बातें क्लियर है? उसके बाद हमने दो अस एसिड को मिक्स किया, दो अस एसिड को मिक्स किया, बहुत अच्छे से सुनो। उसके दो अस एसिड को मिक्स करने के बाद बना H2S2O5, इसको मैंने नाम दिया पायरो सल्फ्यूरस, क्योंकि अस एसिड से बना ना, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। बोलो सारे ऑक्सी एसिड क्लियर है? सल्फर के, सल्फर के सारे ऑक्सी एसिड क्लियर है सबको? हाँ या ना मैसेज करो एक बार। नेमिंग समझ में आई ना? स्ट्रक्चर हम देखेंगे उसके लिए अभी टाइम है, नेमिंग तो समझ में आ रही है ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखो, बहुत ज्यादा अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे। अब आप एक बात बताओ, ये वाला जो होता है ना H2SO5, इसको बोला जाता है कारोज एसिड। ये वाली बात याद रख लो, इसको कारोज एसिड भी बोला जाता है, कारोज एसिड। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कारोज एसिड, दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओलियम, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्शल्स एसिड। बोलो सल्फर का ऑक्सो एसिड सबको क्लियर है? मैसेज कर दो। चलो सल्फर के हो गए, फास्फोरस के आप खुद बताओ यार, फास्फोरस का क्या होगा? देखो मैं पहले बताता हूं, H3PO4। अरे सर H3PO4, सर फास्फोरस के मैक्सिमम तो प्लस फाइव है, तो ये कौन सा एसिड होगा आपका, बताओ अभी? फॉस्फोरिक एक एसिड, समझे? समझे रे? एक एसिड बोले तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉस्फोरस है, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। अब आपको पता है, इस आगे आप खुद बता दो इसको क्या बोलेंगे फिर। देखो मैं आप सारे एक ही जगह पे लिख देता हूं, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, H3PO5 जल्दी बताओ इसको क्या बोलेंगे, मैसेज करो। पर फॉस्फोरिक, हाँ पर फॉस्फोरिक एसिड, इसको बोलेंगे हम फॉस्फोरिक एसिड, वेरी गुड। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, मैसेज करो, H3PO3 बोलो। अरे सर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड सर, हाँ वेरी गुड। H3PO2, अरे सर हाइपोफॉस्फोरस, बोलो क्लियर है? हाइपोफॉस्फोरस, बोलो यार क्लियर है सबको? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो तो इस तरह से अभी क्या जरूरत है आपको, अभी आपको सारी कहानी समझ में आ गई नेमिंग की। आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, थोड़ा सा आगे बढ़ लेता हूं ना। देखो फॉस्फोरिक एसिड में दो ले लेता हूं, अब मैं फॉस्फोरिक एसिड को दो ले लेता हूं, ठीक है ना, एक एसिड प्लस एक एसिड। देखो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। एक मिनट, हाँ बस एक मिनट रुक जाओ। ठीक है इसको सेव कर लेता हूं पहले, उसके बाद हम क्लियर करेंगे। देखो मान लो ये मेरे पास H3PO4 है और H3PO4 है, अरे बताओ क्या बनेगा? वाटर निकाल दो और हीट कर दो, तो आप बोलोगे सर दो हाइड्रोजन चले गए, बचे कितने? चार। तो H4P2O7, अरे ये क्या बना आपका, बताओ जल्दी? पायरो फॉस्फोरिक, हाँ एक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दो रे, तो क्या बनेगा? H4P2O8 सर, पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना, पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड। बोलो क्लियर है सबको? आप बताओ ये वाली चीजें क्लियर है? पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड किसको बोलेंगे? पायरो फॉस्फोरिक एसिड। भाई घर पे एक बार, आपको कोई जरूरत भी नहीं मैं बता रहा हूं प्रैक्टिस करने की, बस ध्यान दो अच्छे से,
ये फॉर्मूला याद मत कर लेना, आप कोशिश करो निकालने की। आगे बढ़ताओ, आगे बढ़ताओ, देखना H4PO3, बोलो ये कौन सा एसिड है आपका, इस एसिड का नाम बताओ। H4 नहीं, H3PO3 बताओ, H3PO3 नाम बताओ, H3PO3। सर ये अस एसिड है, अस, सर दिस इज अस एसिड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड क्या है, रुको क्या क्वेश्चन है सर? नहीं नहीं दूसरा नेम, मतलब जैसे आएगा ना, मतलब बोलते ना हम कॉमन नेम वगैरह, तो मैं बता दूंगा, ठीक है? वो बस उन्हीं को बोला जाता है, जिनको मैंने बताया ना, तो उन्हीं को वो बताया जाता है। जैसे जैसे कॉमन नेम आएंगे ना, मैं बता दूंगा, यू डोंट वरी, ठीक है ना? हो गया, अभी बताओ जल्दी, कॉमन नेम मैं बता दूंगा, अभी आने वाले हैं, अरे अभी तो आने वाले हैं। तो क्या बनेगा सर? देखो -H2O कर दो, तो दो छह में से, देखो छह में से दो गए, कितने बचे? चार P2, छह में से एक ऑक्सीजन चला गया, कितने बचे? अरे सर ये बन गया सर, बोलो जल्दी, पायरो फॉस्फोरस, हाँ बोलो, पायरो फॉस्फोरस, ओके अस है, ठीक है, अस से अस बनेगा, पायरो फॉस्फोरस एसिड। अरे क्लियर है सबको, मैसेज कर दो, क्या ऑक्सी एसिड पढ़ने में सबको मजा आ रहा है? जिनकी रिवीजन हो रहे हैं ना उनको भी मजा आता है, पता है बहुत इजी चैप्टर होता है ऑक्सी एसिड, कुछ इजी नहीं होता, अगर खुद से पढ़ने जाओ ना समझ में आ जाएगा, इजी क्या डिफिकल्ट क्या, समझ में आया? बताओ जल्दी, बोलो ये बात समझ में आई सबको, मैसेज कर दो, अरे मैसेज तो करो, फॉस्फरस के ऑक्सी एसिड समझ में आए? अब मुझे एक काम की चीज बतानी है, जो मैं हमेशा बताता हूँ, इस बार भी बताऊंगा और इस बार भी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? अब देखो एक बात सुनो, आपका कौन था? H3PO4 था, एक एसिड था, एक एसिड, इसमें से पानी निकाल के देखो क्या बनेगा, निकाल के देखो क्या बचा सर? देखो H बचा, इधर देखो एक हाइड्रोजन बचा, एक फॉस्फरस है, ये बचा H, तो ये वाला N फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दिस इज योर मेटा मेटाइक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, समझे क्या? दिस इज नोन, ए साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको पढ़ाऊंगा मैं, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, दिस इज नोन एज मेटा फॉस्फोरिक एसिड, याद रखना इस चीज को, पानी निकालने के बाद क्या बचा? लेकिन सर इसके अनहाइड्राइड बताओ फिर, चलो उसको भी पढ़ लेते अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनो, देखो मैं वापस से बता रहा हूं, एक एसिड में से, नहीं रुक जाओ यार रुक जाओ, एक एसिड में से, एक एसिड में से अगर वाटर रिमूव किया तो दो चीजें बनती है, या तो आपने अभी पढ़ा सर मेटाइक एसिड बनेगा, या तो सर क्या बनेगा, अनहाइड्राइड बनेगी सर। अब हमें पढ़नी अनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फरस, मतलब फॉस्फोरिक एसिड, देखो H3PO4 बच्चों, अब यार आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो मैंने पानी निकाला, मैंने H2 निकाल दिया, क्या बचा रहे सर? HPO3 बचा, मैंने बोला बहुत बढ़िया मजा आ गया, अरे मैंने मान लो ऐसे दो ले लिए, ऐसे दो ले लिए तो क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखो H2P2O6, समझा मैंने क्या किया? मैसेज करके बताओ क्या ये बात सबको समझ में आई? मान लो मैंने ऐसे दो ले लिए, बताओ बताओ क्या समझ में आया सबको, मैंने मल्टीप्लाई करके क्या बनाया? अरे मजा तो तब आएगा तब आप इसमें से पानी निकालोगे, अब वाटर निकालो क्या बनेगा सर? H2 भी चला जाएगा, एक ऑक्सीजन भी चला गया सर, P2O5, तो याद रखना P2O5 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, याद आया कुछ? याद आया कुछ? डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये देखो बहुत अच्छे से सुनो, और पहली बात सुनो, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है बच्चों, आवाज ब्रेक हो रही है क्या? आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी, बताओ क्या मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? तो मैं क्या कर सकता हूं अभी, एक सेकंड रुक जाओ, मैं क्या करता हूं पता है अभी, आ रही अभी आवाज? अब मैसेज करके बताओ आवाज मेरी आप तक क्या पहुंच पा रही है बच्चों? बच्चों आवाज आ रही मेरी? हेलो बताओ,
अब आ रही आवाज, मैसेज कर दो। अभी भी ब्रेक हो रही, अभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अब बताओ क्लियर है? हो रही है, अभी भी ब्रेक हो रही है। ओके, क्या रीजन क्या हो सकता है? बारिश आ रही है शायद, मुझे तो नेटवर्क इशू नहीं आ रहा है। ठीक है, चल ठीक है, एक काम करो आप सब, एक काम करो, रिज्वाइन कर लो, मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है ना? सब रिज्वाइन कर लो, एक बार रिज्वाइन कर लो, हम यहाँ से ही पढ़ेंगे, ठीक है?